हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द मनोज में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको किराना दुकान कैसे खोलें यही बताएंगे और किराना दुकान में आने वाली समस्याओं के बारे में बताएंगे। बहुत ही बेसिक जानकारियाँ बताएंगे, एकदम छोटे से कम समय में आपको हम बेसिक जानकारियाँ बताएंगे। किराना दुकान खोलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक कॉम्प्लेक्स या दुकान। जब भी हम किराना दुकान खोलें मिनिमम बजट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एकाएक किसी भी बिजनेस में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि हमें उन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम 10 20 लाख 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख का थोक सामान या बहुत अधिक क्वांटिटी में ला के बिजनेस करेंगे, पर वो ये नहीं जानते कि किराना व्यापार या अन्य बिजनेस में आने वाली समस्याओं का हम कैसे निवारण करें, कैसे उसे समाधान करें। वो तो पैसा तो लगा लेते हैं पर समय नहीं दे पाते या अन्य आने वाली समस्याओं को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए आप हमेशा छोटे कम पूंजी से व्यापार करें। और ये मैं वीडियो छोटे या नए किराना व्यापार या किराना दुकान खोलने वाले व्यक्तियों के लिए ही बना रहा हूँ। किराना दुकान खोलने समय हमें मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान हम कहाँ से खरीदें। सामान खरीदते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान एक जगह से ना खरीदें, अलग अलग खरीदें। सभी सामान हो सके तो एजेंसी या थोक डीलर से खरीदें, बट 2-3 थोक डीलर से खरीदें और रेट और प्राइस पता करके खरीदें। दूसरी बात है कि हम किराना दुकान खोलते समय अपने जो खाता बुक का यूज़ करें। खाता बुक अर्थात हिसाब किताब हमेशा सही होनी चाहिए। आप कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, आपका डेली कितना बिक रहा है, आपका कितना व्यय हो रहा है, कितना आय हो रहा है, ये सभी आप उसमें नोट करेंगे। जब तक आप हिसाब किताब नहीं करेंगे, आपके व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या किस प्रकार का व्यय हो रहा है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा और 6 महीने में आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके ग्राहक, आपके कस्टमर। कस्टमर हम कैसे लाएं, कस्टमर कैसे बढ़ाएं, या कस्टमर न्यू दुकान खोल रहे तो कस्टमर को कैसे बांध के रखें, कैसे उसे बना के रखें। कोई भी कस्टमर आपके दुकान में तभी आता है जब आप सही प्राइस लगाते हैं, सही प्राइस में आप माल को देते हैं, सामान देते हैं, और दूसरी बात अच्छी क्वालिटी में देते हैं। तो हम जब भी सामान खरीदें अच्छी क्वालिटी में ही तो लाएंगे, अच्छे सामान लाएंगे, है ना। और दूसरी बात, आप जब भी किराना दुकान खोले आप अपने एरिए की क्या रेट चल रहे हैं, बेसिक सामान का जो क्या भाव चल रहे हैं, वो आप सभी पता कर ले, उसे नोट कर ले, कुछ दिन रिसर्च कर ले। उसके बाद जब आप दुकान खोले तो उस रेट या उस प्राइस से कुछ कम ही लगाएं। मान लो जैसे आपके यहाँ शक्कर 42 रुपये चल रहा है, आप 40 रुपये लगाएं। आटा 32 रुपये चल रहा है, आप 30 रुपये लगाएं। तेल 160 रुपये चल रहा है, आप 155 रुपये लगाएं। मतलब जब आप न्यू स्टार्ट करें तो आप बहुत ही कम मार्जिन से स्टार्ट करें, या हो सके तो मिनिमम जो बेसिक चीज़ है उसमें कोई भी मार्जिन नहीं रखना है। ये सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट है। आपके दुकान में इतने कस्टमर आएंगे कि आप उसको हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक कस्टमर आएगा तो वो 4 को बताएगा कि यहाँ बहुत अच्छी प्राइस में सामान मिलता है, जो न्यू खोला है शहर के, वो आपकी दुकान का प्रचार ऑटोमेटिक कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकूं और उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पर वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।